ओम शांति। आज की बाबा की साकार मुरली है 24 अगस्त 2021 की। आज प्यारे बाबा ने ज्ञान और योग बल से विश्व का मालिक बनने और पवित्रता के बल का महत्व बताते हुए कहा, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूलकर एक बाप को याद करो। आज मुरली में प्रश्न है, भारत पर सतयोगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? तो बाबा ने उत्तर दिया, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयोगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। आज मुरली में गीत हैं, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उसका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप हैं। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान हैं। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सद्गति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे हैं, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए, फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं, उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितने जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वह कहाँ गए, यह बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं हैं, कनिष्ठ हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होते हैं। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्य नारायण बनने की कथा, अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया
भारत को सतोप्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला अर्थात खबर करनी है, गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे तो जरूर अब पतित राज्य है। यह कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है पांच विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था, भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदलकर चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होंगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफरी से नज़दीक आते जाते हैं अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है। यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेगा वह अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो अर्थात घर के मेंबर हो। तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ते खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़े ही बनाना है जो पैसे लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहाँ सतयुग में पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदि पति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर रावण राज्य में। रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया भारत पुराना कहेंगे।
नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क है। इसको कहा जाता है रौरो नर्क। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है, यह कोई सुख थोड़े ही है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख कागविष्ठा समान है, इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं, वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकार का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है, बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर वन फूल है श्री कृष्ण, स्वर्ग की नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो, सिर्फ एक कृष्ण थोड़े ही बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं, सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनाइस्टी है, बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चन से है, कृष्ण और क्रिश्चन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। यह यूरोपवासी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। इस पर एक कहानी है, दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। यह बात अभी की है, वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, यह है नहीं। यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं आकर पति से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहाँ सन्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती हैं, सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती हैं। जब अर्थक्वेक होंगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो यह बॉम्बे ही नहीं रहेंगी, आगे यह बॉम्बे थोड़े ही थी, छोटा एक गांव था। यह माताएं तो भोली हैं, यह इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकेंड नंबर में है ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है, कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि यह कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन करते रहे।
यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना अर्थात गुप्त सेना। तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह पुराना शरीर छोड़ जाई नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। आत्मा कहती हैं कि हम नई दुनिया में देवी शरीर धारण कर जाई राज्य करूँगा। आत्मा मेल हैं, शरीर प्रकृति हैं, आत्मा सदैव मेल हैं। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। यह चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी ज़रूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो ज़रूर भगवान भी होगा। किस रूप में किस तन में है वह तुम बच्चों के अलावा किसी को पता नहीं। कहते भी हैं मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है। बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चिया ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना, कितना नाम निकलेगा। लौकिक अलौकिक दोनों का नाम बाला करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट हैं, पहला, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा है, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संगदोष से आ गए हैं अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। आज का स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी के विशेष अनुभवों के लेन देन में आज हम सबके बीच में हैं आदरणीय नलिनी दीदी जी, जो मुंबई घाटकोपर तथा उनके कनेक्टेड सेंटर्स की डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बाल्यकाल से ही मम्मा बाबा के साथ की विशेष पालना ली है, जिन्होंने दादी जी के साथ के अद्भुत मातृत्व स्नेह व सानिध्य का अनुभव किया है। सुनते हैं उनके विशेष अनुभव आरजे विशाल भाई के साथ।
सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।